आप सबके मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होंगे कि KGF 3 की कहानी क्या रहेगी, क्या रॉकी भाई सच में मर गया, रॉकी का सारा सोना कहाँ गया। आपने KGF चैप्टर फर्स्ट में रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड्स का बाप बनते देखा है, KGF चैप्टर 2 में रॉकी भाई का पागलपन, अधीरा की मौत, रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देखा है, तो फिर आखिर KGF 3 की कहानी क्या रहने वाली है। फ्लैशबैक में गोते लगाइए और वो दो सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था। 5 minutes later. दोस्तों, फिल्मों के शौकीन हमें दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे, जो सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि कब कोई नई फिल्म आए और हम दोस्तों के साथ उसे देखने जाएं। अगर आपको भी नई नई फिल्में देखने का शौक है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि साल 2024 फिल्मों के मायने में बेहद खास होने वाला है। बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े स्टार बड़े पर्दे पर धूम मचाते नजर आने वाले हैं। बाहुबली, RRR, जवान, पठान जैसी वो बड़ी 25 फिल्में जिनका पब्लिक को बेसब्री से इंतजार है। इन सभी फिल्मों की रिलीज डेट, स्टार कास्ट, डायरेक्टर, फिल्म की स्टोरी क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 25 पर है सितारे जमीन पर। जी हाँ, आमिर खान की इस फिल्म के जरिए बेहतरीन वापसी होने वाली है। आमिर खान की पिछली फिल्म तारे जमीन पर एक इमोशनल फिल्म थी जो 2007 में आई थी, लेकिन सितारे जमीन पर हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली है। एक स्पेनिश फिल्म कैंपियंस का यह हिंदी रीमेक रहने वाली है। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा है। RS प्रसन्ना इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में इसे रिलीज किया जाने वाला है। और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रहे। नंबर 24 पर है योद्धा। जी हाँ, इस फिल्म को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तले बनाया जा रहा है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा राशि खन्ना, दिशा पाटनी भी नजर आने वाली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इसमें एक सोल्जर की भूमिका निभाएंगे, जिनका प्लेन आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं। 15 मार्च को यह फिल्म रिलीज होने वाली है। नंबर 23 पर है डबल आई स्मार्ट। KGF के अधीरा के बाद संजय दत्त इस फिल्म में एक खूंखार विलन का रोल फिर से प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसमें लीड एक्टर राम पोथी नैनी रहने वाले हैं, जिसकी रिलीज डेट 8 मार्च तय की गई है। पता है मैं कौन हूँ? उस्ताद डबल स्मार्ट शंकर। नंबर 22 पर है औरों में कहां दम था। जैसा कि फिल्म के टाइटल से ही मालूम चल रहा है, इसका नाम दिलवाले फिल्म में एक मशहूर डायलॉग आपने सुना ही होगा, उसी डायलॉग से इस फिल्म का टाइटल तय किया गया है। इस फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट तब्बू नजर आने वाली है, जिनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आती है। इस फिल्म को 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 21 पर है जिगरा। जी हाँ, जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आने वाली है। इसका फर्स्ट लुक वीडियो जारी हो चुका है, जिसमें आलिया भट्ट को कंधे पर बैग लटकाए जापान की सड़कों पर देखा जा सकता है। 27 सितंबर को यह फिल्म रिलीज होने वाली है। नंबर 20 पर है छावा। जी हाँ, ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसमें विक्की कौशल मराठा साम्राज्य के महान योद्धा, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी हैं, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले करते नजर आएंगे। वहीं रश्मिका मंदाना संभाजी की पत्नी का रोल निभाएंगी। 6 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। नंबर 19 पर है क्रैक। जी हाँ, विद्युत जमवाल के अलावा इस फिल्म में एमी जैक्सन, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही जैसे बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में काफी धांसु एक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसे 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। से खेलता हूं, और दिमाग से थोड़ा। नंबर 18 पर है द क्रू। जी हाँ, इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी अलग रहने वाला है, जिसमें तब्बू, करीना कपूर, कृति सैनन, दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार नजर आने वाले हैं। साथ ही कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का इसमें कैमियो रोल भी रहने वाला है। 22 मार्च को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। नंबर 17 पर है स्काई फोर्स। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी देश की पहली एयर स्ट्राइक पर आधारित रहने वाली है, जिसे 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को दिनेश विजयन डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें लीड एक्ट्रेस सारा अली खान और निमरत कौर नजर आने वाली है।
नंबर 16 पर है KGF 3। जी हाँ, इसका पहला और दूसरा पार्ट तो आपने देखा ही होगा, अब तीसरे पार्ट का भी पब्लिक बेसब्री से इंतजार कर रही है। जैसा कि दूसरे पार्ट में रॉकी भाई की मौत हो जाती है, इसलिए तीसरे पार्ट में रॉकी भाई के बीते दिनों की कहानी बताई जाने वाली है। आप सबके मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होंगे कि KGF 3 की कहानी क्या रहेगी, क्या रॉकी भाई सच में मर गया, रॉकी का सारा सोना कहाँ गया। आपने KGF चैप्टर फर्स्ट में रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड्स का बाप बनते देखा है, KGF चैप्टर 2 में रॉकी भाई का पागलपन, अधीरा की मौत, रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देखा है, तो फिर आखिर KGF 3 की कहानी क्या रहने वाली है। फ्लैशबैक में गोते लगाइए और वो दो सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था कि एक दिन वो दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख देगा, और दूसरा वादा वो जब माँ ने रॉकी से वादा लिया था और कहा था, मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि तीसरे पार्ट में 1979 से 1981 के बीच में रॉकी कहाँ था और क्या करता था, ये सब देखने को मिलने वाला है। KGF 3 की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही रहने वाला है। कहा जा रहा है कि साल के अंत तक इसको रिलीज किया जा सकता है, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है। नंबर 15 पर है स्त्री 2। जी हाँ, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे 30 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। एक ऐसी चुड़ैल की कहानी बताई जाएगी जो अंधेरी रातों में अकेले रहने वाले पुरुषों को पकड़ लेती है। इस बार भेड़िया फेम वरुण धवन का इस फिल्म में कैमियो रोल रहने वाला है। नंबर 14 पर है कंगुआ। जी हाँ, बॉबी देओल की एक और ब्लॉकबस्टर अपकमिंग फिल्म जिसमें बॉबी देओल एक खूंखार विलन का किरदार निभाएंगे। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी जिसमें लीड एक्टर साउथ सिंघम सूर्या नजर आने वाले हैं, वहीं एक्ट्रेस दिशा पाटनी नजर आएंगी, जिसे 12 अप्रैल को सिनेमाघरों में टोटल 38 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। क्या बात है। नंबर 13 पर है पुष्पा 2। जी हाँ, पुष्पा के दूसरे पार्ट में इस बार रणवीर सिंह की एक झलक भी देखने को मिलने वाली है जो पुष्पा भाव की एंट्री कराते नजर आएगा। लीड एक्टर में अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना ही नजर आएंगी। 15 अगस्त इस फिल्म की रिलीज डेट तय की गई है। अब रोल पुष्पा का। नंबर 12 पर है सिंघम अगेन। इस फिल्म को भी 15 अगस्त को ही रिलीज किया जाएगा जिसमें अजय देवगन के अलावा दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार भी नजर आएंगे, वहीं विलेन के रोल में अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं। नंबर 11 पर है देवा। जी हाँ, इस फिल्म की लीड स्टार कास्ट में शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े नजर आने वाली है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रहने वाली है जिसे 11 अक्टूबर यानी दशहरे पर रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 10 पर है तेहरान। जॉन अब्राहम और मानुषी छिल्लर की ये अपकमिंग फिल्म है जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसे अरुण गोपालन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तय होना बाकी है। नंबर 9 पर है मैं अटल हूँ। इस फिल्म के लीड एक्टर पंकज त्रिपाठी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाने वाले हैं। यह फिल्म 19 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। नंबर 8 पर है चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन की इस अपकमिंग फिल्म में श्रद्धा कपूर, कैटरीना कैफ, राजपाल यादव भी नजर आने वाले हैं, जिसे कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं। साजिद नाडियाडवाला इसके प्रोड्यूसर हैं, जिसे 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 7 पर है वेलकम 3। इस फिल्म को इस बार अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं मजनू भाई और उदय सेट्टी को रिप्लेस करके मुन्ना भाई और सर्किट को फिल्म में कास्ट किया गया है। साथ ही इस बार अक्षय कुमार के अपोजिट रवीना टंडन भी नजर आएंगी, जिसे 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। नंबर 6 पर है देवरा। जूनियर NTR की एक धांसू एक्शन से भरपूर अपकमिंग फिल्म है जिसमें एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर नजर आएंगी, वहीं विलन के रोल में सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 2 भागों में बनाई जाएगी जिसका पहला पार्ट 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। नंबर
नंबर 5 पर है बड़े मियां छोटे मियां। जी हाँ, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर इस फिल्म का बच्चे बच्चे को इंतजार है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, अलाया, मानुषी छिल्लर नजर आएंगी। साथ ही पृथ्वीराज सुकुमारन विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। अली अब्बास जफर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसे 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया। Let the beat drop. नंबर 4 पर है हेरा फेरी 3। जी हाँ, राजू श्याम और बाबूराव की तीसरी तिकड़म का हर किसी को इंतजार है, जिसमें इस बार संजय दत्त की भी एंट्री हो चुकी है। इस बार भी हथियारों की चोरी फिल्में दिखाई जाएगी, लेकिन इस बार विदेशों में ये कांड होते दिखाया जाने वाला है। नंबर 3 पर है फाइटर। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण की ये हवाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो स्पाई यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, जिसमें अनिल कपूर भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, जिसे 25 जनवरी को रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 2 पर है कल की 2898, यानी कि प्रोजेक्ट के। 2024 की ये बहुत बड़ी फिल्म रहने वाली है, जिसका बजट करीब 600 करोड़ का है, जो महाभारत से प्रेरित रहेगी। लेकिन फिल्म सुपर हीरो स्पेस पर आधारित है, जिसमें एक मसीहा है जो लोगों को मदद करने के लिए आता है। 12 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। नंबर 1 पर है हनुमान। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को एक साथ 11 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। ये फिल्म अंजनादरी के काल्पनिक गांव पर बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हनुमान जी की कई शक्तियों के बारे में देखने को मिलने वाला है। 12 जनवरी ही इस फिल्म की भी रिलीज डेट है। तो इन 25 फिल्मों में से आप किस फिल्म का इंतजार कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई फिल्मों के साथ।